ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स सब लोग जानते ही होंगे जे डेटा टाइप्स होता क्या है। ठीक है, जो भी हम लोग डेटा यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में या फिर किसी भी टाइप का डेटा होता है, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ टाइप होते हैं। मतलब वो डेटा किस टाइप का है वो हम लोग को डिफाइन करना होता है। ठीक है, लाइक जैसे हम लोग नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 12 लिए, किस टाइप का डेटा टाइप है ये? बताते जाओ एक एक। और ये ए कौन सा है? हाँ, और ये कौन सा है? अच्छा, सब कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोट है, ये 12 है, क्या है ये? इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप जो होता है वो दो टाइप के होते हैं डेटा टाइप। ठीक है, उससे पहले समझ जाओ कि डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल पे जो वैल्यूज स्टोर होने वाली है वो उसका साइज, ठीक है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और उसका टाइप क्या है वो बताता है। आया समझ में? तो टू टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स अवेलेबल है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोग जिसमें कोई एक सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, जैसा बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये हुआ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या होगा? जिसमें हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लासेस, इंटरफेस, एरेज। ठीक है, तो ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब डिटेल में हम लोग जानते हैं जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। ठीक है, इन जावा लैंग्वेज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। दीज आर मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा लैंग्वेज में यूज होने वाले जो एक बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जावा इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज। डैट इज़ वाई वी नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एंड नेम। ठीक है, जितने भी हम लोग यहाँ पे मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम लोग को यूज़ करना है तो उसके लिए वेरिएबल्स बनाना ही पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, उस वेरिएबल के लिए हम लोग को डेटा टाइप भी मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। बूलियन डेटा टाइप, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स हम लोग को बताता है। बाइट डेटा टाइप, ठीक है, कैर डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? बूलियन जानते हो? ठीक है, बूलियन में दो वैल्यूज होती है, एक ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। ठीक है, ट्रू वैल्यू को 1 से डिनोट करते हैं और फॉल्स वैल्यू को 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इंटीजर में हम लोग ले रहे हैं तो, ठीक है, अदरवाइज ट्रू या फिर फॉल्स हम लोग उसमें वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इस टाइप का एक हम लोग ट्री चार्ट बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा टाइप दो पार्ट में डिवाइड है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव में आता है बूलियन, ठीक है, और न्यूमेरिक। ठीक है, बूलियन में तो बूलियन ही आता है, न्यूमेरिक में जो है कैरेक्टर एक आता है और एक इंटीग्रल आता है। ठीक है, कैरेक्टर जो है उसमें कैर डेटा टाइप आता है। ठीक है, इंटीजर जो है उसमें बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, जनरली यहाँ पे हम लोग इंट ही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा और लॉन्ग यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट और बाइट हम लोग बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं। ठीक है,
देन आता है इंटीग्रल का सेकंड पार्ट, ठीक है, वहाँ पे आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो आते हैं, एक फ्लोट आता है एक डबल आता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। कौन सा डेटा टाइप हो गया? प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव में यहाँ पे स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस, ठीक है, तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स के मल्टीपल वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो एज ए ग्रुप यूज़ होता है, ठीक है, एज ए ग्रुप वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये एक उसका चार्ट था, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो कितनी कितनी साइज़ होती है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बूलियन की बात करते हैं। बूलियन जो है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहता है और 1 बिट साइज़ लेता है, ठीक है। कितना साइज़ लेगा? 1 बिट, ठीक है। कैर जो है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्लैश यू, उसके बाद 4 बार 0, इस टाइप की वैल्यू रहती है, और वो 2 बाइट की मेमोरी लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट की वैल्यू रहती है 0, और ये 1 बाइट का साइज़ लेता है, ठीक है। ये सब मेमोरी साइज़ है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़, क्लियर। देन आता है शॉर्ट। शॉर्ट का भी रहता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, और ये 2 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है। इंट, इंट का भी रहता है 0, और ये 4 बाइट का मेमोरी लेता है, ठीक है। लॉन्ग, इसका रहता है 0L, और ये 8 बाइट का मेमोरी लेता है, ठीक है। देन आता है फ्लोट, इसका रहता है 0.0F, और यहाँ पे 4 बाइट का मेमोरी लेगा, ठीक है। डबल का क्या रहता है? 0.0D, और 8 बाइट की मेमोरी लेता है। समझ में आया? जो लॉन्ग और डबल है वो 8 बाइट का मेमोरी लेगा, इंट और फ्लोट जो है 4 बाइट का लेगा, बाकी जो शॉर्ट है और बाई शॉर्ट और कैर 2 बाइट का मेमोरी लेगा, बूलियन और बाइट 1 बाइट का मेमोरी लेगा, ठीक है। तो सबसे कम मेमोरी खाने वाला कौन है? बूलियन और बाइट, ठीक है। बूलियन 1 बिट का लेता है, और बाइट जो है 1 बाइट का मेमोरी साइज लेता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? ओके, तो हम लोग चलो आगे चलते हैं। अब बूलियन डेटा टाइप को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ जानते हो तो मैं ओवरव्यू उसका समझा दे रहा हूँ बस, है ना। मैं अभी प्रोग्राम इसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी कॉन्सेप्ट के प्रोग्रामिंग चालू करेंगे, तो वहाँ पे सब चीज़ यूज़ करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी जानते हो तो वेरिएबल डेटा टाइप तो जानते ही होंगे सब, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है तो बताना तो है ही, ठीक है। तो फर्स्ट आता है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। द बूलियन डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। इसके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सो कॉल्ड ट्रू, सो कॉल्ड फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। दिस डेटा टाइप इज़ यूज फॉर सिंपल फ्लैग्स डेट ट्रैक ट्रू और फॉल्स कंडीशंस, ठीक है। जनरली बूलियन डेटा टाइप जो है हम लोग कब यूज़ करते हैं इसको? जब हम लोग को कोई फ्लैग वैल्यू को ट्रैक करना होता है। फ्लैग वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे फ्लैग लेते थे, ठीक है। अगर 1 से डिवाइड हुआ तो फ्लैग प्लस प्लस करते थे हम लोग, ठीक है। अगर खुद से डिवाइड हुआ तब भी हम लोग फ्लैग प्लस प्लस करते। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब क्या होगा? वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के लॉजिक जहाँ पे लगते हैं, जहाँ पे हम लोग ट्रू और फॉल्स कंडीशन को क्या करते हैं? हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। या फिर हम लोग कोई ऐसा स्टेटमेंट ले रहे हैं जिसमें कोई कंडीशन चेक किए, और वो कंडीशन में ट्रू रिटर्न करवाना है हम लोग को, या फॉल्स रिटर्न करवाना है, तो उस समय भी हम लोग बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप स्पेसिफाइज 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इट्स साइज कैन बी डिफाइंड प्रिसाइजली, ठीक है। 1 बिट का इंफॉर्मेशन ये देता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम लोग इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर इंटीजर में लोगे तो
तो 1 रहेगा, और इसका साइज़ क्या हो जाएगा इंटीजर के लिए, 4 बाइट का साइज़ हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बूलियन हम लोग लिखते हैं, कैपिटल बी नहीं होता है, स्मॉल बी होता है। ठीक है, बूलियन 1 इक्वल टू फॉल्स ऐसा ले लिए। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, बहुत इजी था। देन आता है बाइट डेटा टाइप। ठीक है, द बाइट डेटा टाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज एन 8 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ठीक है, इट इज एन 8 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट पता है कि नहीं पता है तुम लोग क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट? पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक्स में टूज कॉम्प्लीमेंट? पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाँ, टूज कॉम्प्लीमेंट। वाह, टूज कॉम्प्लीमेंट कहाँ रिपीट करूँगा यार मैं, 2-3 दिन, 2-3 दिन निकल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। और वैसे मुझे भी नहीं आता है क्योंकि मेरा पार्ट ही नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, उसको देखो। वंस कॉम्प्लीमेंट तब निकलता है जैसे कि हम लोग कुछ शिफ्ट वगैरह कुछ कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि हम लोग का इसको पढ़े हुए ही जमाना हो गया। ठीक है, तो 8-10 साल बीत गया पढ़े हुए, 8 साल तो निकल ही गए। उसके बाद मैं कभी पढ़ाया भी नहीं है, ना पढ़ा हूँ उसको, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट इतना पता था कि जैसे अगर हम लोग के पास कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि 1011 इस टाइप की कोई वैल्यू है, ठीक है, इसको पहले राइट शिफ्ट करते थे। राइट शिफ्ट करने से क्या होता है, 1101 आ जाएगा ये। फिर दोनों का ऐड वैड कुछ करते थे, पता नहीं क्या करते थे, ऐसी कुछ था। अब देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए गूगल कर लें। ठीक है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, उसके बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते थे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता था। ठीक है, तो जनरली बाइट डेटा टाइप क्या होता है, उसकी वैल्यू जो रहती है वो -128 से लेके 127 तक होती है। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब 128 और 127 को भी मिला के। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -128, और मैक्सिमम वैल्यू होती है -127। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। क्लियर? ठीक है, द बाइट डेटा टाइप इज यूज टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरिया एरेज वेयर द मेमोरी सेविंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, इट सेव स्पेस बिकॉज ए बाइट इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन एन इंटीजर। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ इंट डेटा टाइप। ठीक है, देखो जनरली हम लोग को कब मेमोरी अगर हम लोग को बचाना है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े एप्लीकेशन में अगर मान के चलो हमेशा हम लोग इंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वैल्यू मुश्किल से उसकी रेंज क्या है, 3 डिजिट की वैल्यू है। ठीक है, -128 से लेके 127। कभी ऐसा हम लोग कुछ एक काउंटर चलाते हैं कि 127 से ज़्यादा वैल्यू होनी नहीं कभी उसमें। ठीक है, तो वहाँ इंटीजर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, वहाँ पे बाइट ले लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का मेमोरी क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर मान के चलो कोई इंटीजर वैल्यू, हम लोग इंटीजर वेरिएबल ले लिए और 4 बाइट ले रहा है, यहाँ कितने में काम हो जाएगा, 1 बाइट में काम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे थोड़ा कंजूसी करते हैं और हम लोग बाइट डेटा टाइप ले लेते हैं। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, बाइट ए इक्वल टू 10, बाइट बी इक्वल टू -20। इस टाइप से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियलाइज करके यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट आता है शॉर्ट डेटा टाइप। ठीक है, द शॉर्ट डेटा टाइप इज 16 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -32768 टू 32767 इंक्लूसिव। इट्स मिनिमम वैल्यू इज -32768 एंड मैक्सिमम 32767
इट्स डिफॉल्ट वैल्यू है 0। इसका भी रेंज क्या है, 32,768 से लेके 32,767 तक। ठीक है, द शॉर्ट डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव मेमोरी जस्ट लाइक बाइट डेटा टाइप। ए शॉर्ट डेटा टाइप इज 2 टाइम स्मॉलर देन इंटीजर। ठीक है, शॉर्ट डेटा टाइप जो है वो कितना बाइट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग को इतनी ही वैल्यू लेना है, इसका भी रेंज जो है वो इंटीजर जितना ही है। ठीक है, इंटीजर जितना ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटीजर ना लेके शॉर्ट में अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से आधी मेमोरी हम लोग बचा सकते हैं। मतलब 2 टाइम्स क्या होगा, स्मॉलर देन इंटीजर। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, शॉर्ट एस इक्वल टू 10,000 ले लिए, शॉर्ट आर इक्वल टू -5,000 ले लिए। ठीक है, क्लियर है शॉर्ट डेटा टाइप कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट डेटा टाइप पे, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, द इंट डेटा टाइप इज ए 32 बिट साइन टूस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ठीक है, इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -2147483648 टू प्लस में ही उतना। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में इसका रेंज कितना रहता था, इतना रहता था, 32,768 रहता था रेंज, लेकिन जावा में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कितना मेमोरी लेगा ये, ठीक है, 4 बाइट का मेमोरी लेगा। ठीक है, इसका रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग इजीली इंट डेटा टाइप को हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक फ़ोन नंबर्स के लिए। ठीक है, किसी के लिए भी हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द इन डेटा टाइप इज जनरली यूज एज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर इंटीग्रल वैल्यूज अनलेस इफ देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट मेमोरी। ठीक है, जहाँ पे कोई मेमोरी कंजूसी नहीं करना है वहाँ पे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि वैल्यूज़ डेसिमल प्लेसेस में नहीं आनी है। वैल्यूज़ कैसे आनी है, एग्जैक्ट वैल्यू आनी है। ठीक है, और वैल्यू बड़ी आनी है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इंट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। क्लियर, आया समझ में? अब आ जाते हैं लॉन्ग डेटा टाइप में। लॉन्ग डेटा टाइप इज अ 62 बिट 2s कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन 922377372, इतना 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 बड़ा। ठीक है, ठीक है, इसका रेंज देख लो, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, -2 to the power 63, प्लस में भी 2 to the power 63 -1। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यूज़ अगर हम लोग को लेनी है तो हम लोग कौन सा डेटा टाइप ले लेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग ए इक्वल टू यहाँ पे 1 लाख ले लिया, और लास्ट में क्या लगा है, एल लगाया, कैपिटल एल। ठीक है, लॉन्ग बी इक्वल टू -2 लाख, उसके बाद एल लगा लिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि वो लॉन्ग डेटा टाइप है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आया लॉन्ग कि नहीं आया, वॉइस आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, देन आता है लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, सॉरी, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप हम लोग देखते हैं, द फ्लोट डेटा टाइप इज अ सिंगल प्रेसिजन 32 बिट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये क्या बोला है भाई, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट, पता है किसी को ये इतना पार्ट? IEEE क्या है वो तो पता होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़े हो ना, देख देख के लिखे हो पेपर, याद है? पेपर नहीं दिलाया? कैसे पेपर नहीं दिलाया, असाइनमेंट दिए हो कि नहीं दिए? हाँ, तो क्या होता है IEEE?
क्या होता है बताओ, आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है। आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड का हाँ, आई ट्रिपल ई एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसका जो 5 750, आई ट्रिपल ई के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 574 नंबर के जो स्टैंडर्ड का एक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज इज अनलिमिटेड, कितना भी वैल्यू ले सकते हैं उसमें, कितनी भी बड़ी वैल्यू, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ फ्लोट इंस्टेड ऑफ डबल इफ़ यू नीड टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरेज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। द फ्लोट डेटा टाइप शुड नेवर बी यूज फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज करेंसी, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0F, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम लोग कभी भी, जब हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम लोग को मेमोरी थोड़ी सी बचाना है तो हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि डबल डेटा टाइप क्या होता है, डबल डेटा टाइप का भी रेंज अनलिमिटेड होता है, लेकिन फ्लोट डेटा टाइप की जो हमारी मेमोरी कितनी लेगी, यहाँ पे देखो 4 बाइट का मेमोरी ले रहा है, डबल कितना ले रहा है 8 बाइट का। अगर हम लोग को मेमोरी बचाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं। अगर मेमोरी बहुत है अपने पास तो 8 बाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी उतना बड़ा साइज भी होगा और वहाँ पे वैल्यूज़ भी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो डबल जो होता है सबसे बड़ा डेटा टाइप है और सबसे ज़्यादा मेमोरी भी वही होता है, 8 बाइट का मेमोरी लेगा, ठीक है। ये भी 64 बिट IEEE 754 के स्टैंडर्ड से बना होता है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप 32 बिट IEEE 754 स्टैंडर्ड से बना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, डबल बस डबल डेटा टाइप लेगा, सॉरी बट डबल मेमोरी लेगा, फ्लोट उसका आधा लेगा, ठीक है। फ्लोट कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, डबल 8 बाइट लेगा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। डबल D1 इक्वल टू 12.3, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही, बस F ऐड करते हैं, यहाँ पे D ऐड करते हैं, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैर डेटा टाइप में। कैर डेटा टाइप क्या होता है, इज ए सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है। 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू ले सकते हैं सिंगल कोड के अंदर, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन /u, फिर उसके बाद 4 टाइम 0 है और 0, ठीक है, टू UFFFF, ठीक है। और नियरली अबाउट 65,535 इंक्लूसिव, ठीक है। द कैर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर ये हेक्साडेसिमल में होता है, 000 से चालू का होके 00F तक जाएगा ये पूरा पूरा, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है, अगर आस्की कैरेक्टर का चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी हेक्साडेसिमल में देखना, तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेके FFFF तक के कॉम्बिनेशन के लिए लेटर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके कॉम्बिनेशन पे ही कैर डेटा टाइप काम करता है, ठीक है। तो आजकल के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल में सपोर्ट करने लग गया, तो आस्की कैरेक्टर जो है वो बहुत सारे अपने कैरेक्टर्स अपने पास रख सकता है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, कैर लेटर ए इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग दे दिए ए, ठीक है। तो इस टाइप से कैर डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो कैर जो है वो कितना मेमोरी लेगा, 2 बाइट का मेमोरी लेता है। क्यों 2 बाइट का मेमोरी लेगा वो, यहाँ पे देखो, अब उसका एक रीज़न है, ठीक है। वाई कैर यूजेस 2 बाइट्स इन जावा एंड वॉट इज /0000, ठीक है। इट इज़ बिकॉज जावा यूज यूनिकोड सिस्टम नॉट आस्की कोड सिस्टम, ठीक है। देखो आस्की कोड का सिस्टम जो होता है, अगर वो कैरेक्टर्स की बात करें तो 65 से लेकर 97 तक जाता है,
ठीक है, वहाँ से हम लोग को सिंगल कैरेक्टर मिल जाता है, लेकिन यूनिकोड सिस्टम जो होता है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स भी मिलते हैं साथ में, ठीक है, और स्लैश यू फिर उसे 4 टाइम्स 0 इज द लोएस्ट रेंज ऑफ यूनिकोड सिस्टम, ठीक है। जो आस्की कैरेक्टर में हेक्साडेसिमल कोड होते हैं, ठीक है, आस्की कोड को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ए है, ठीक है, जैसे ये ए है, ए का अगर आस्की कोड देखेंगे तो इंटीजर में कितना होगा, 65। अगर इसी का हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो कुछ और होगा। आया समझ में? तो हेक्साडेसिमल वाला पार्ट जो होता है उसी को यूनिकोड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिकोड सिस्टम, ठीक है। वेब में जितने भी हम लोग कैरेक्टर्स डालते हैं, कलर कैरेक्टर्स हो या कोई भी टाइप के कैरेक्टर्स हो, ठीक है, सब के सब यूनिकोड सिस्टम पे ही काम करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में जितने भी कंटेंट देखते हो ऑनलाइन, ठीक है, सब के सब किस में रहते हैं, उसके कैरेक्टर्स यूनिकोड सिस्टम में होते हैं। आया समझ में? ठीक है, अगर नोट पैड में भी अगर सेव करोगे, यहाँ पे अगर वेब के लिए हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है UTF-8। क्या दिखता है? एनकोडिंग UTF-8, ये मतलब यूनिकोड में रहता है, ठीक है, 16 बिट 16 BE UTF-8, ठीक है, इस टाइप का। तो UTF-8 रहता है, ये यूनिकोड में ही सेव होता है हमेशा। जो भी हम लोग नोट पैड में सेव करते हैं वो यूनिकोड में सेव होता है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी वेब में देखते हैं, जो कंटेंट डले होते हैं वेबसाइट्स वगैरह में भी, वो सारे यूनिकोड सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। क्लियर है? समझ में आया डेटा टाइप कि नहीं आया? ठीक है, ओके। तो अटेंडेंस लगा लियो के सब? कोई छोटा तो नहीं है? विजेता, देखो विजेता अभी तक नहीं लगाई है। ऑनलाइन है क्या विजेता?